नमस्कार, मैं हूं दिवाकर राजपूत। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में, जिसमें सवाल होते हैं आपके यानी कि जनता के, और कटघरे में होते हैं आपके अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम पहुंच गई है पुष्प राजगढ़, मध्य प्रदेश, जहां हमारी बातचीत होने वाली है क्षेत्र के युवा प्रत्याशी, युवा चेहरे से। हीरा सिंह श्याम जी, सबसे पहले तो आपको हमारी न्यूज़ नेट की पूरी टीम की ओर से भाजपा का विधायक उम्मीदवार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी कटघरा में। धन्यवाद। हीरा सिंह श्याम जी, पार्टी का भरोसा तो आपको मिल गया है, क्या लगता है आपको जनता का मत भी प्राप्त होगा इस बार? अब जिस हिसाब से पार्टी ने अगर भरोसा जताया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही जताया होगा, और अपन तो उम्मीद करते हैं कि विगत वर्षों से ही अपन राजनीति में ही काफ़ी सक्रिय रहे हैं और उसी बदौलत आज मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। तो हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से पार्टी ने भरोसा जताया है तो वैसे ही जनता का भी भरोसा और आशीर्वाद मिलेगा। तो क्या हम इस बार मान के चले कि भाजपा के उम्मीदों पर आप खड़ा उतरने वाले हो इस बार? अब आदमी तो उम्मीद के साथ ही आगे बढ़ता है और उसी उम्मीद के साथ मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, और अपन को पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक अच्छी लीड मिलेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ग्रुप में चुने जाने का अवसर मिलेगा। हीरा सिंह श्याम जी, पुष्प राजगढ़ की अगर बात की जाए तो बताया जाता है कि लगभग 200 किलोमीटर में फैला हुआ यह विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, तो जिम्मेवारियाँ भी बड़ी होंगी। हाँ, तो हीरा सिंह कितना तैयार हैं जिम्मेवारियों को उठाने के लिए? भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो आपका कहना भी एकदम जायज है कि पुष्पराजगढ़ मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना जो पुष्पराजगढ़ विधानसभा है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जाहिर सी बात है क्षेत्रफल बड़ा है तो मेहनत भी उसी स्तर का करना पड़ेगा हमें। लेकिन जिस तरह से आज हमारा पुष्पराजगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो ये नेचर से परिपूर्ण है, और नेचर से परिपूर्ण होने की वजह से कई अवसर भी हैं यहाँ, और उन अवसरों को अपने को भुनाना है, और अपन चाहते भी रहे हैं अपन इस फील्ड में आने के, मतलब थीम भी यही है कि हम आए हैं तो ये हमारा, अगर जब अपन लोग पुष्पराजगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करें तो बहुत ही मतलब मनोरम दृश्य वाला जगह है जिसको हम लोग एक टूरिज्म के क्षेत्र में आगे उसको विकसित कर सकते हैं और एक अच्छा पुष्पराजगढ़ का विकास हो सकता है इन सब चीज़ों के माध्यम से। हीरा सिंह जी, जैसा कि हमें पता चला है कि आप पूर्व में जनपद अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में आप पार्टी से जिला अनूपपुर से जिला महामंत्री के पद पर भी हैं। जी जी। तो आपने राजनीति को ही क्यों चुना? युवा भारत, हमारे देश में युवा तो अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, अपना जौहर दिखा रहे हैं अलग अलग फील्ड में, तो राजनीति ही क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैंने 12th कम्प्लीट किया तो मेरे मन में जब कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जब दौर चला तो कई तरह के लोग, क्योंकि मैं भी फार्मा का पढ़ाई कर रहा था, तो जब अपन काउंसलिंग के लिए अगर अन्य चीज़ों के लिए जब निकले तो देखे कि सब लोगों की मारामारी केवल नौकरी और बिजनेस इन्हीं सब चीज़ों पे लगा, और हमेशा से आप देखे भी होंगे, एक आकलन भी किए होंगे, लोग बाग राजनीति को एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, खासतौर पर जब यूथों की बात करें, और ये तरह के भाव से रखते कि मतलब राजनीति ऐसा वैसा कई तरह के बातें आते हैं उनसे, तो ये चीज़ समझ में आया कि ये लोग एक तो कोई जाना नहीं चाहता और जाएंगे भी नहीं, और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी उस समय भी लगता। तब हमारे मन में आया कि जो ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं इन सब चीज़ से हटके राजनीतिक फील्ड में हम जाएंगे और समाज के बीच में रह के समाज की सेवा करेंगे, फिर वहीं से अपना एक मोटो बदले और अपन उधर मतलब फार्मासिस्ट बनने के संकल्पना को छोड़ के राजनीतिक फील्ड में आगमन हो गया। हीरा सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत पहले ये मन बना लिया था कि मुझे राजनीति की ओर ही जाना है, तो पार्टियां तो और भी थी ना, बीजेपी के अलावा हमारे देश में तो पार्टियों की तो कमी नहीं है, क्या है बीजेपी ही क्यों? मैं मूलतः मेरा पृष्ठभूमि आरएसएस रहा है ना, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो राष्ट्रहित में, समाज हित में मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी ही जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्र के विचारों को लेकर आगे बढ़ती है, उससे प्रभावित होकर मेरे मन में मतलब बचपन से ही ये भाव बना रहा है कि अगर मैं जब कभी भी पॉलिटिकल फील्ड में जाऊंगा तो मैं भाजपा के साथ ही जुड़ के काम करूंगा और राष्ट्र के साथ जुड़ के काम करूंगा, देश के विकास के साथ जुड़ के काम करूंगा, इस परिकल्पना के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और आज इस मुकाम तक पहुँच पाया। मतलब आप राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने
का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मतलब जिसमें देश का भला हो, समाज का भला हो, उस दिशा में जिससे जिस पार्टी से देश को मजबूती मिलता हो, मैं उस पार्टी के साथ हूँ। भाजपा इसी इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ती है और इसी विचारों के से प्रभावित होकर अपन भाजपा से जुड़े बचपन से ही। अगर मैं बात करूँ हीरा सिंह जी, तो चुनाव किसी भी राज्य में हो, बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी के चेहरे को आगे करती है, तो क्या हम मान के चलें कि बीजेपी में चेहरे की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता चेहरे में। मोदी जी तो वास्तव में मोदी जी के कामों की अगर बात करें तो आज अगर विश्व को एक जो भारत को एक पहचान दिलाने में जो विश्व पटल में एक जो भारत आज भारत के जो एक छवि है उसमें बनाने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जाहिर सी बात है मोदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी की इस समय ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं आपकी, है ना, कि मोदी जी से ही प्रभावित होकर काफ़ी लोग भी जुड़ भी रहे और काम की जो शैली है मोदी जी की उससे काफ़ी लोग प्रभावित भी हैं। और आज जिस तरह से विदेशों में भारत की छवि है उसमें बनाने में कहीं ना कहीं मोदी जी का तो बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आपके हिसाब से भारत की आज जो छवि बनी है उसके पीछे मोदी जी का ही हाथ है? हाँ, अब कुल मिला के अब भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है, हो सकता है कि विचारों से हर तरह से प्रमोट होके वो किए हों, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो देश का प्रधानमंत्री है उनके नेतृत्व में हो रहा है तो पूरा श्रेय तो मोदी जी को ही जाएगा। आप तो मोदी जी की कार्यशैली की इतनी तारीफ कर रहे हैं, उनके उपलब्धियों को गिना रहे हैं, वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के तमाम नेता बार बार बीजेपी साथ ही साथ मोदी जी पे भी ये आरोप लगाते रहते हैं कि ये केवल जुमलेबाजी करना जानते हैं, इस पे क्या कहना होगा? अरे, आप आरोप जिनको लगाना जो लगाएं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो आप भी देख रहे हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो तटस्थ होकर किसी चीज़ को कहने और करने की क्षमता रखता हो। आज वो तो कई भागों में बटा हुआ है। मतलब अभी आप देखे होंगे कि अपने इंडिया एक ग्रुप बना के जिस तरह से कई दल मिलके एक साथ काम करने की बात करें, उनमें तो अभी यही तय नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। जो अपने आप में ही कंफ्यूजन में है तो अब इस दिशा में सोचने और करने का तो कोई बात ही नहीं हो रहा है उन पर। आज अगर अपन विपक्ष की बात करें तो जिस तरह से वहाँ तो परिवारवाद के एक लाइन खींचा हुआ है कि अब राजीव गांधी जी रहे फिर अब मतलब उनके बाद से विकल्प न होने के बाद जैसे मनमोहन सिंह जी को ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति को बैठा दिए कि जो कुछ बोले ना कुछ सुने, मतलब जो गांधी परिवार की सारों पे काम करे, उस दिशा में ही काम करते हैं। आज जिस तरह से आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को ही पीएम प्रमोट करने के दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है और उनकी उनके अगर देखें कार्यशैली तो कार्यशैली को देख के कभी ऐसा लग ही नहीं सकता कि मोदी जी के मुकाबले में कहीं दूर दूर तक दिख भी रहे हैं वो लोग। हीरा सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष एक अलायंस के साथ, इंडिया नामक अलायंस के साथ उतरी है चुनाव में, और आपने बताया कि विपक्ष ये तय भी नहीं कर पा रही है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो, तो ये तो अच्छी बात है ना कि उनके पास चेहरों की कमी नहीं है, बहुत सारे चेहरे उनके पास हैं। नहीं, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो मोदी जी के टक्कर में हो, इसी वजह पे मैंने नहीं बोला कि उनके पास इतने चेहरे हैं प्रधानमंत्री के लायक। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनके पास एक भी ऐसा दमदार चेहरा नहीं है जो मोदी जी का मुकाबला कर सके। राहुल गांधी को तो एक लेवल पे प्रमोट करने का कोशिश किया जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी की अगर व्यक्तिगत उसकी बात करें तो क्या है राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी केवल इतना ही है कि वो राजीव गांधी जी के लड़के हैं, इनके अलावा कोई व्यक्तिगत उपलब्धियां क्या है उनके पास? यहाँ तो इतने कई ऐसे सांसद होंगे जो लगभग 5 से 7, 7, 8, 8 बार के सांसद होंगे कांग्रेस में भी, लेकिन ऐसा क्यों कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने? राहुल वैसे तो बनने के लिए बहुत सारे वहां लोग भी होंगे, लेकिन वो परिवारवाद के चक्कर में लोग कांग्रेस केवल एक ही चेहरे को प्रमोट करता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, यही तक सीमित है कांग्रेस। उससे उसी गांधी परिवार से ही नहीं निकल पा रहा है कांग्रेस आज के डेट पे। तो मतलब हम ये मान ले कि हीरा सिंह जी परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करते? अगर आज भाई साहब अगर परिवारवाद की अगर बात होता तो मेरे जैसे गांव का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सबसे मतलब युवा प्रत्याशी के रूप में कभी नहीं प्रमोट होता पुष्पराजगढ़ में। ना ही मेरे घर में कोई पॉलिटिकल दृष्टि से कोई मेरे घर में कोई नेता मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा करोड़पति वाला भी मामला नहीं है कि मेरे घर में कोई बहुत ऐसा संपन्न हो कि उस दिशा में बढ़े। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के काम किया, निरंतर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, उसी की बदौलत आज भाजपा जैसे मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी एक छोटे से और एक गरीब घर के लड़के को आज विधानसभा जैसे बड़े चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप बीजेपी के ये जो कार्यशैली है उसकी तारीफ कर रहे हैं? तारीफ नहीं, ये हकीकत है। आप मतलब इसको आकलन कर सकते हैं। आप आज अगर कई तरह के लोग अभी बात करते हैं, खासतौर पर आप जब
कांग्रेस के बंधुओं से जब मिलेंगे तो वो हमेशा से ये बोलते हैं कि भाजपा तो आदिवासी विरोधी है, इस तरह के उनके शब्द आते हैं कई जगह, मतलब अगर अपन क्षेत्र पे जाएं। लेकिन भाजपा एक ऐसा पार्टी है जो आज राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद में किसी आदिवासी महिला प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान की है। तो आज इस तरह से विषय है, ये भाजपा में ही संभव है कि किसी जमीन के व्यक्ति को आज उस लेवल तक की ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर मिल पाया है। आज अगर हम बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करें, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, ये जितने भी हमारे केंद्र नेतृत्व के जो बड़े बड़े जो हमारे राजनेता हैं, उनका कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो किसी न किसी गरीब तबके के परिवार से या फिर गरीब गांव से ही होंगे। कोई भी ऐसा बड़ा नेता नहीं है हमारे इसमें जो लगता हो कि किसी मतलब जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति के वो मिले हों। शिवराज सिंह चौहान जी के पिताजी भी किसान थे। आज भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिनको उनको मुख्यमंत्री के उच्च शिखर तक ले जाके आज इतने दिनों से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, और वही सेम कंडीशन माननीय मोदी जी के साथ भी है। इस तरह से बहुत सारे उपलब्धियां हमारे भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन आपको कांग्रेस में ऐसे बहुत कम मिलेंगे। कांग्रेस में आपको एक ही परिवारवाद मिलेगा, एक ही उनके जो भी बड़े नेता होंगे उनके पीछे उनके पिताजी कोई बड़े नेता मंत्री मिनिस्टर रहे होंगे तो उन्हीं को कांग्रेस में अवसर मिले होंगे। हीरा सिंह जी, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी ही भाजपा ही वो पार्टी है जो कि एक छोटे से क्षेत्र से आए हुए आदिवासी चेहरे को भी राष्ट्रपति पद तक मतलब रहने का मौका प्रदान करती है। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष बार बार ये आरोप लगाती है या विपक्ष का ये कहना है कि ये चेहरे को प्रमोट नहीं कर रहे बल्कि उनके चेहरे के नाम पे एक चुनावी स्टंट करार देती है विपक्ष। अब विपक्ष के पास कुछ मुद्दे हैं नहीं तो ये आरोप तो लगा ही सकता है। मैं कहता हूँ ये अवसर तो आपको भी 70 सालों में मिला था, तो आपने क्यों नहीं किया? किसी आदिवासी को क्यों ऐसा मौका नहीं दिया कि वो राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पे जाके पहुंचे? ऐसा 70 साल आपने शासन किया तो कम से कम एकाध बार तो ऐसा मौका दिए होते, तो आप तो दिए नहीं। जब दिए नहीं तो आरोप प्रत्यारोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो मतलब हम ये मान के चले कि पूरा का पूरा आदिवासी समाज जो है वो अभी भाजपा के साथ खड़ा है। हाँ, जाहिर सी बात है ही भाजपा के साथ ही है। आज जितनी भी योजनाओं की अगर बात करें तो जनजाति समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। अन्य जगह की बात अगर मैं छोड़ूँ, अगर प्रॉपर मध्य प्रदेश के हम लोग अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ, तो आज जिस तरह से पेशा एक्ट के माध्यम से हमारे गाँव घर के समाज के लोगों को जो जनजाति बंधुओं को जो अधिकार मिला है, तो ऐसा होता तो कांग्रेस भी तो पहले दे सकता था। जो कांग्रेस बड़ा मतलब ये बताती कि हम आदिवासी ही तैसी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वोटिंग की बात आया राष्ट्रपति के इलेक्शन का, तो यही जो अभी हमारे कांग्रेस के जितने भी मतलब यहाँ के प्रदेश लेवल के कि अन्य जगह के जो लोग हैं, यही लोग मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने से मना कर रहे थे। अगर उतना ही उनके अंदर आदिवासी प्रेम होता तो ये भी उनके मन में हल्का विचार आता ना कि चलो आज किसी जनजाति बहन को अगर राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो मतलब पार्टी स्तर से उठ के सोच के कर सकते थे। लेकिन उनने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनने पुरजोर अपना विरोध किया। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे मतलब लोगों के साथ मिलके और आज राष्ट्रपति के पद में किसी जनजाति समाज के महिला को बैठाने का काम किया है। आपके अनुसार भाजपा वो पार्टी है जो आदिवासी चेहरों को साथ ही साथ महिला को भी प्रमोट करने का काम कर रही है? हाँ। तो केवल यही मुद्दा है क्या? केवल आदिवासी समाज को प्रमोट करके ही मध्य प्रदेश जीतना चाहती है क्या भाजपा? नहीं, आज अगर हम योजनाओं की बात करें तो योजनाओं तो इतने सारे हैं कि जिसकी अगर अपन परिकल्पना करें, अगर मैं उनको बताना चाहूं तो लगभग काफ़ी समय लग जाएगा। आज अगर आप खासतौर पे अगर जनजाति क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जनजाति समाज के बीच में जो एक हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबल योजना नहीं, अपना आयुष्मान कार्ड वाली योजना, आपको पता होगा भाई साहब हम तो गाँव घर में रहते हैं तो कई चीज़ें देखे भी हैं। जब किसी व्यक्ति के घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था तो उसके इलाज के लिए लोगों के पूरे जमीन गिरवी रख लिए जाते थे कि बेच डालते थे, तो भी इलाज कराने के लिए उतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि अपने बीच के कई ऐसे सगे संबंधियों को इलाज के अभाव में लोग बाग जान देते हुए देखते थे। आज कम से कम माननीय मोदी जी के आने के बाद जनजाति क्षेत्रों में आज जो 5 लाख का जो अपना आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो सहायता राशि दिया जाता है, उसके माध्यम से कई परिवारों के लोगों के जान बच गए, कई परिवार उजड़ने से बच गए। तो इतनी स्तर पे आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। अगर और योजनाओं की बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में कई तरह के मतलब सब्सिडियों के माध्यम से योजना दे के प्रमोट करने का काम कर रहा है। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री के पीएम आवास की अगर बात कर लें तो पूरे जनजाति क्षेत्र में, जैसे मैं अन्य जगह की तो नहीं बात कर सकता, लेकिन जिस जनपद
ये कि जिस विधानसभा में अपन उम्मीदवारी कर रहे हैं, इस जनपद में लगभग विधानसभा में लगभग 20,000 से 25,000 के बीच के समथिंग लगभग में इतने लोगों को पीएम आवास का लाभ मिल पाए विगत 10 वर्षों में। इतना लाभ कांग्रेस के सरकार में उस समय जब इंदिरावास की योजना चलता था तो न मिला होगा। तो केवल पूरे 70 साल में लगभग अगर हम बात करें तो 1-2 हजार लोगों को मिल पाया होगा, 2-3 हजार लोगों की, इससे ज्यादा लोगों को इंदिरावास नहीं मिल पाया होगा। आज हम लोग तो दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति समाज के लिए इतना बढ़ चढ़ के काम कर पाए। और आज लोगबाग को जो रहने के घर की अगर बात करें तो जो पीएम आवास मिल पा रहा है तो उससे लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है। नहीं, आपको भी पता होगा पहले की जो स्थितियां रहे, गांव घर में लोग रहते थे तो पलायन की स्थिति जो बना रहता था कि कुछ दिन यहाँ कुछ दिन वहां, तो एक जो स्थायित्व का जो भाव आया इसमें प्रधानमंत्री आवास का बहुत बड़ा मतलब योगदान है। आप तो इतने सारे योजनाओं का नाम जुड़वा रहे हो बैठ के, लेकिन वहीं अगर विपक्ष की माने तो विपक्ष का कहना है कि योजनाओं के नाम पर केवल स्कैम किया जाता है। क्योंकि अगर जमीनी स्तर की अगर सच्चाई बताएं, ये विपक्ष का कहना है, तो जमीनी स्तर पर विफल है सारी योजनाएं जिनके नाम आप जुड़वा रहे हो। ये केवल कांग्रेस वाले केवल आरोप लगा सकते हैं भाई साहब। आप तो प्रत्यक्ष रूप से जाके प्रत्येक गांव में देख लेंगे। आज आप पुष्पराजगढ़ की बात करें, पुष्पराजगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का सबसे दूरस्थ और अंतिम मतलब विधानसभा है, जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ लग जाता है। यहाँ आप जाके जिस रोड से अगर आए भी होंगे, आप देखे भी होंगे जहाँ भी, तो आपको हर गाँव में पक्के मकान जरूर देखने को मिले होंगे। पहले ऐसी स्थितियां नहीं रहा। पुष्पराजगढ़ की अगर हम आज से 10 साल पहले की बात कर दें तो पूरे पुष्पराजगढ़ में नहीं रहे होंगे तो 20-25 पक्के मकान रहे होंगे। लेकिन आज जाके देखेंगे तो एक एक गांव में 100-150 पक्के मकान मिलेंगे आपको। तो ये परिवर्तन केवल इस 10 साल के अंदर ही तो आया है, तो इनको तो नकारा नहीं जा सकता। जो कांग्रेस के पास मुद्दे न होने की वजह से, मुद्दे से भटकाने के लिए वो कुछ भी कह दे, वो उसके लिए वो स्वतंत्र है। पार्टी की एक और योजना थी जल नल योजना जी, उसे पूरा विपक्ष ये बताता है कि वो जमीनी स्तर पे बिल्कुल भी विफल है। आज भाई साहब अगर जनधन के काउंट नहीं होते तो आपको एक राहुल गांधी उनके अपने राजीव गांधी जी के एक वक्तव्य याद होगा, वो जब संसद में रहते एक बात बहुत अच्छे स्पष्ट ढंग से बोले थे कि हम लोग यहाँ से जो 1 रुपये भेजते हैं तो नीचे पहुँचते पहुँचते इतना घिस जाता है कि वो जाके 15 पैसे ही हितग्राही को मिल पाता है। आज जनधन अकाउंट का ही ये कमाल है कि लोग बागों के खाते में डायरेक्ट हितग्राही के खाते में पूरा पैसा आता है और पूरा उपयोग हितग्राही कर पा रहा है, कहीं बीच में बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ पाता। तो आज ये कहीं ना कहीं आप आज जितने भी आवास के काम देख रहे होंगे, अभी जो लाडली बहना का जो एक लाडली बहना हमारे मध्य प्रदेश में चला उसकी स्कीम की बात देख रहा हूँ, अन्य जितने भी प्रकार की योजनाएं चल रहे हैं वो मैक्सिमम जनधन योजना के अकाउंट जो खुले तो उनके माध्यम से उनके खाते में ही डायरेक्ट पैसा जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लाभ तो हुए, कांग्रेस को जरूर नुकसान हुआ है। उनके जो 85% जो बीच रास्ते में घिस जाते थे वो अब डायरेक्ट हितग्राही के खाते में पहुंच जा रहा है, तकलीफ तो होगा उनको। लोग जी चाहे वो आदिवासी हो या गरीब लोगों, मतलब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ। लेकिन भ्रष्टाचार तो हो रहा है हीरा सिंह जी। लोगों का कहना है कि एक और योजना थी आपकी सरकार की शौचालय योजना, उनमें उन्हें 2,000 किसी किसी को 4,000 तक के मतलब कमीशन खाया जा रहा है उनसे। नहीं, जैसे सरकार के योजनाओं में कि सरकार के एक उसमें आपके विचार में कहीं ऐसा ये विषय नहीं रहा है कि लोग उसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार करें, क्योंकि जो भी शौचालय के भी जो पैसे आते थे वो डायरेक्ट हितग्राही के अकाउंट में आते थे और हितग्राही को स्वतंत्र काम करने के पूरे अधिकार रहे कि आप पैसा उसमें आपके अकाउंट में दिया जा रहा है 12,000, आप उसमें चाहो तो और मिला लो और उसको करके कंप्लीट करो करके, तो ऐसा किया जा रहा था। अगर जो भी ऐसे कंप्लेन आ रहे हैं तो वो निराधार हैं, ये कि फिर निराधार के साथ अगर कोई कर भी रहा हो तो गलत तरीके से अपने से कोई दे रहा हो तो अलग विषय है। लेकिन सरकार के मन में कभी ऐसी मंशा नहीं रहा, अगर ऐसी मंशा होता तो वो काम ये जनधन के अकाउंट में पैसा नहीं डालते और वो डायरेक्ट किसी ठेकेदार को दे के काम करा लेते। लेकिन पारदर्शिता आए इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस स्कीम के लॉन्च किया और उसी बदौलत आज प्रत्येक कोई भी काम हो आप मतलब हितग्राही मूलक जो भी काम हो मैक्सिमम कामों में हितग्राही का डायरेक्ट उसमें 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 उपलब्धता रहे, उस दिशा में काम कर रही है पार्टी। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अब भ्रष्टाचार कहाँ किस स्तर पे हो रहा है उसके विषय में तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर कहीं अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें जो हितग्राही उनकी भी काफी लापरवाही है ना, उनको भी थोड़ा सजग होकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट पे अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जिनसे भ्रष्टाचार को रोका जा सके।
है ना, जैसे आपको पता होगा 181, अगर कहीं किसी तरह के भ्रष्टाचार होते तो उसमें 181 में भी उसके प्रॉपर कंप्लेन लिखा जाता है और उसका भी बारीकी से जांच होके और उस पर भी पारदर्शिता के साथ काम किया जाता है। तो इस तरह से सरकार की मंशा तो है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर आप भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं और कहीं थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो उसमें प्रशासनिक और जो अपने हितग्राही हैं उनके बीच की जो कड़ी है उनके वजह से हो रहा हो, जिसपे उस पर थोड़ा सा अपने हितग्राहियों को भी सजग होने की ज़रूरत है। आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है आम लोगों तक पहुंच रहा है। अगर मैं पुष्प राजगढ़ की बात करूं तो पिछले दो बार से वर्तमान और इसके पिछले भाजपा की सरकार यहाँ नहीं है, तो अगर आम लोगों तक लाभ पहुंच रहा है तो मतलब पुष्प राजगढ़ में कांग्रेस ही क्यों, लोग कांग्रेस को वोट क्यों किए दो बार? अब पिछले चुनावों की तो मैं बात नहीं करूंगा कि पिछले दो बारों में क्या कैसा किस स्थिति परिस्थिति के आधार पे कांग्रेस को पब्लिक ने वोट किया, लेकिन अब अपने को उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर तक हो रहा है इसका प्रॉपर लाभ भी मिल पा रहा है लोगों को, और अपन उम्मीद भी करते हैं कि जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन के साथ साथ जो एक मतलब अच्छा से प्रचार प्रसार भी अपन कह सकते हैं उसको कि लोगों के बीच में जागरूकता जो आया है इसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा और लोगों को अब समझ में आने लगा है। पहले होता क्या था कि हमारा पूरा पुष्पराजगढ़ बीहड़ क्षेत्र रहा, मतलब बीहड़ के क्षेत्र के मतलब ये कह सकता है कि दूर दूर में फैला हुआ क्षेत्र, नेटवर्क की कहीं कोई सोशल मीडिया नेटवर्क की इस तरह की कोई सुख सुविधाएं ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं था, कुछ ही क्षेत्रों में रहा है। अब तो इसके अब लगभग पूरा पुष्पराजगढ़ मोबाइल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब काफ़ी जागरूक होने का, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का हर चीज़ का प्रॉपर जानकारी मिल पा रहा है। पहले जो दिक्कत हुआ मेरे को लगता है कि लोगों को जानकारी न होने के वजह से और हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्तियों को योजनाओं के बारे में न समझा पाने के वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं कमी तो रही है भाजपा के साइड से। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि अपन लोग अपने योजनाओं को जमीनी स्तर पे लोगों को बता नहीं पाए, लोगों ने लाभ तो लिया लेकिन उनको अंतिम तक यही नहीं पता चल पाया कि ये योजना किस सरकार ने कौन करा रहा है। शायद इस वजह कन्फ्यूजन के चक्कर में भी काफ़ी कुछ गलतियां हुए जिसके वजह से कांग्रेस को लाभ मिल पाया। अब आप विधायक पद के उम्मीदवार बनाए जा चुके हो तो आपसे भी ये सवाल होगा कि क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, किन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ ही साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जैसे हमारा तो प्रमुख एजेंडा है कि विकास, विकास भारतीय जनता पार्टी ने अकूट किया है हमारे क्षेत्र पे। अगर आपको पता होगा आज अगर हम बड़े बड़े जितने भी पुष्पराजगढ़ को जोड़ने वाले चारों तरफ से जोड़ने वाले लगभग सभी रोडों की स्थितियां अच्छी हो गई हैं। एक रोड थोड़ा डिस्टर्ब था करपा वाला, तो उसमें भी काम चालू है और विगत 6-7-8 महीने में वो भी रोड बन के तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो आज जो एक विकास के जो हमारे पूरे पुष्पराजगढ़ में जो जाल बिछा हुआ है उसका प्रॉपर लाभ मिलेगा। जिस तरह से आपको पता होगा नर्मदा जल परियोजना है ना, तो उसके माध्यम से अपने जल जीवन मिशन के माध्यम से ये ऐसा चलाया गया, तो उसके माध्यम से आज हमारे लगभग एक साथ ही 85 गांव तक माँ नर्मदा का जल प्रॉपर घर घर तक पहुंच रहा है। और साथ ही आपका किर्गी जल प्रदाय योजना, किर्गी जल प्रदाय योजना के माध्यम से भी लगभग 32 गांवों को प्रॉपर जल पहुंच रहा है। मतलब ये बड़े प्रोजेक्ट हुए। और इसके अलावा जो अगर छोटे छोटे मतलब सिंगल फेस की प्रोजेक्ट की बात करूं ग्राम पंचायत स्तर पे जल जीवन मिशन के तहत, तो लगभग हमारे पुष्पराजगढ़ का 90% गाँवों में काम चल भी रहा है, कुछ जगह में चालू भी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं विकास तो दिख रहा है और इन सब चीज़ का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और आज सरकार ने हर तरह के, चाहे अपन शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे क्षेत्र और समाज के बीच में काम किया गया है। हर राज्य के चुनाव में भाजपा मोदी जी के कार्यशैली को आगे रखती है, मतलब केंद्रीय मुद्दों या केंद्रीय जो भी योजनाएं हैं उसको आगे रखकर चुनाव लड़ने का प्रयास करती है। क्या लगता है आपको राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रभाव रखेंगे इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में? मध्य प्रदेश के चुनाव में देखिए वजह राष्ट्रीय मुद्दा और क्षेत्रीय मुद्दा दोनों का ही बहुत महत्व है। और कहीं ना कहीं आज अगर एक आपको उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, आपके जस्ट बगल में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ कांग्रेस और भाजपा का मतलब कांग्रेस का मुख्यमंत्री होने के वजह से जो नुकसान और जो मतलब जैसे आपको पता होगा पीएम आवास एक ऐसे स्कीम है कि जिसमें 75% की राशि सेंट्रल देता है, 25% की राशि स्टेट को देना होता है। तो जिन जगहों में कांग्रेस की गवर्नमेंट है उन जगहों में पीएम आवास
जैसे महत्वपूर्ण योजना जो जनहित ऐसी है और जो मतलब जन जन तक पहुंचने वाली योजना है, इनको कहीं ना कहीं रोक लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र और समाज का नुकसान तो होता है। तो इस तरह से गलती हमारे मध्य प्रदेश में ना हो, इस तरह से सब लोगों को करके इस मुद्दे को लेकर भी तो आगे बढ़ा जाएगा। और इस तरह से कई सारे मुद्दे हैं जो राष्ट्र और मतलब केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट से मिला जुला रहता है, इसलिए जब भी बड़े चुनाव होते हैं और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ तो स्टेट और सेंट्रल के दोनों स्टेट के गवर्नमेंट की स्कीमों के माध्यम से ही चुनाव लड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं जब दो डबल इंजन की सरकार रहता है तभी विकास का भी एक अलग लाइन रोड मैप देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं उसका लोगों को लाभ भी मिलता है। मतलब आपके अनुसार राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रभाव रखेंगे मध्य प्रदेश इलेक्शन? जरूर बिल्कुल। साथ ही साथ आपकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर हो हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने का प्रयास करती है, क्या लगता है असर करेगा, प्रभाव रखेगा वो भी? अब रही बात हिंदुत्व का, तो आपने अभी आपके कुछ दिनों पहले आपके कांग्रेस के जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लड़के के एक बयान मतलब कर्नाटक तमिल कन्नड़ भाषा में आया था, जिसका आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि वो सनातनियों को जिस तरह से सनातनियों के मतलब विरोध में जिस तरह से उनने शब्दों का प्रयोग किया था, उनने इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया कि ये जो सनातनी है ये डेंगू मलेरिया और कोरोना जैसे हैं कह के, तो इस तरह से तो कांग्रेस की मानसिकता है। जब कांग्रेस की मानसिकता इस तरह से है, और हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेके काम करती है और हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करता है, और ऐसा भी नहीं है। आज भाजपा के लोग जरूर हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो हर समाज को लेके काम करने का, या जो तीन तलाक की अगर बात करें तो तीन तलाक से अगर मुक्ति कहीं दिलाए तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया है। आज अगर 35A की अगर बात करें हम, धारा 370 की बात करें, तो इसमें कोई हिंदुत्व का विषय तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक देश में कई प्रकार की विकृतियां रहीं उनसे निजात दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आप एक युवा नेता हैं, अगर पुष्पा राजगढ़ की जनता आपको मौका देती है तो आप युवाओं को लेकर क्या करेंगे? जैसे पुष्पराजगढ़ में मैं बोला ना पहले भी कि पुष्पराजगढ़ हमारे यहाँ संभावनाएं अपार है ना, तो मेरा तो पहला मतलब थीम ये रहेगा कि मैं पुष्पराजगढ़ में रोजगार के कैसे अवसर बढ़ें उस दिशा में काम करना है। और ये जो हमारा क्षेत्र है पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, तो टूरिज्म के क्षेत्र में किस तरह से हमारा पुष्पराजगढ़ डेवलप करे उस दिशा में भी खुल के काम करना है। और खासतौर पे अगर मैं पुष्पराजगढ़ लोकल की बात करूँ तो हमारे पुष्पराजगढ़ में स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज मैं बता दूं आपको, अगर पूरे मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो जितने मध्य प्रदेश में फुटबॉल के क्लब होंगे उससे कहीं ज़्यादा हमारे पुष्पराजगढ़ में मतलब पुष्पराजगढ़ विधानसभा में ही अकेले होंगे उतने, लेकिन इनको एक अच्छा अवसर नहीं मिल पाता। शायद हमारे यहाँ के लड़कों को खेलने का अच्छा अवसर मिलता तो ये प्रदेश के लिए खेलते, देश के लिए खेलते, उसी स्तर तक पहुँच सकते थे। हमारे यहाँ मूलतः कबड्डी वॉलीबॉल और फुटबॉल का एक अलग टाइप से ही क्रेज है, और क्रिकेट का भी, मतलब ये चारों खेल हमारे क्षेत्र में व्यापक पैमाने पे खेला जाता, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से कई युवाओं के जो सपने हैं वो यहीं धरे के धरे रह जाते हैं। तो अगर अपन को तो मौका मिलता है तो हम तो बढ़ चढ़ के इन्हीं सब चीज़ों पे आगे बढ़ के करेंगे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने के अवसर मिले, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो और उनको उनके माध्यम से हमारे क्षेत्र और समाज का नाम रोशन करें, इस दिशा में भी काम करेंगे। और ख़ास तौर पे अगर हम पूरे पुष्पराजगढ़ के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो लगभग जैसे आज अगर पुष्पराजगढ़ के प्रॉपर की मैं बात करूँ तो जिस तरह से फैला हुआ बृहद क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है, और हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय तो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें हमारे इस तरह से मापदंड नहीं है कि हमारे लोकल के ही छात्र छात्राएं उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें वो नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी होने की वजह से पूरे देश के लोग वहाँ आके पढ़ते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को युवा साथियों पढ़ने के उतने व्यापक अवसर नहीं मिल पाते। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में और अधिक से अधिक महाविद्यालय खुलें, यहाँ संगीत के क्षेत्र में लोगों को अवसर, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है तो संगीत के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर है और काफ़ी युवा उस क्षेत्र में भी अपना भविष्य बना सकते हैं। तो संगीत के महाविद्यालय हों हमारे पुष्पराजगढ़ में, अन्य महाविद्यालय हों, उनको आने जाने की प्रॉपर सुख सुविधाएँ मिल सके, इस दिशा में काम करना है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के किसी युवा को ये ना लगे कि भाई आज हम युवा विधायक बनाए तो किसी तरह के युवाओं के आगे बढ़ने में कहीं रोड़ा बन रहे, बल्कि हर व्यक्ति को ये लगने लगे कि पुष्पराजगढ़ के हम, हर व्यक्ति ये महसूस करे कि हम पुष्पराजगढ़ के विधायक हैं और पुष्पराजगढ़
आगे प्रमोट करें, सबको समान अवसर मिले, आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिले, उस दिशा में मिलकर काम करें, ऐसा पूरा मन में विचार लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पुष्पराजगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की सरकार है, कैसे देखते हैं आप इसको, विकास हुआ है कुछ? जैसे आपने, आपको भी पता होगा, केवल पुष्पराजगढ़, अभी आप पुष्पराजगढ़ घूमे होंगे, तो हमारे जो वर्तमान के विधायक हैं कांग्रेस के, शायद आप लोग उनसे भी कभी मिले होंगे, बात किए होंगे, तो आप देखेंगे कि एक ही चीज करोना रोए हैं उनने केवल 10 सालों में, कि मेरी सरकार नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जब उनके व्यक्तिगत हितों की अगर हम बात करें तो आपको, आप भी देखे होंगे कि पूरे पुष्पराजगढ़ में केवल यात्री प्रतीक्षालय आपको देखने को मिले होंगे, केवल यात्री प्रतीक्षालय। और मैं मान के चलता हूं कि यात्री प्रतीक्षालय में भ्रष्टाचार के लूट बराबर रहता है, मतलब तगड़ा लूट रहता है। मैं उसकी बिलिंग की लगभग बात कर रहा था, तो एक एक यात्री प्रतीक्षालय का लागत लगभग 3 से 3.5 लाख बता रहे थे। और उसके अगर मार्केटिंग वैल्यू अगर बात किया जाए, किसी से अगर उसका मूल्यांकन कराया जाए, तो वो यात्री प्रतीक्षालय केवल लगभग 90 से 1 लाख के होंगे। तो कुल मिलाकर अपन ये मान सकते हैं कि उसमें केवल कांग्रेस के विधायक ने पुष्पराजगढ़ को लूटने का काम किया है, केवल भ्रष्टाचार को अड्डा बनाने का काम किया, और अपने जवाबदारियों से केवल मेरी सरकार नहीं है कहीं के बचते हुए देखा गया, तो ऐसा उनका कार्यकाल रहा है। अगर हम पूरे पुष्पराजगढ़ की बता दें तो कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं होगा मेरे को लगता है जहां उनने 5 से 10 लाख के काम दिए हों, केवल यात्री प्रतीक्षालय के काम दिए हैं जिसमें कमीशन बराबर मिलता है, केवल उनका फोकस वहीं तक रहा है, पूरा विकास भी वहीं तक रहा है। इसके अलावा पुष्पराजगढ़ के लिए इससे ऊपर उठ के कुछ सोच ही नहीं पाए। हीरा सिंह श्याम जी के अपने संकल्प एवं अपने वादे क्या रहेंगे पुष्पराजगढ़ की जनता के लिए? जिस तरह से पुष्पराजगढ़ के लेके अपन बात करें, तो अभी जिस तरह से आपसे बात हुआ कि भाई हमारे पुष्पराजगढ़ में कई तरह के अवसर बन सकते, लेकिन उन अवसरों में पूर्व के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर अपन ये कह सकते हैं कि वर्तमान विधायक जी चाहते तो काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते थे, लेकिन उनने युवाओं या अन्य चीज़ों को सबको दरकिनार करते हुए केवल अपने विकास के बारे में सोचा, क्षेत्र के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर जिस तरह से, अगर मैं युवा होने के नाते अगर इस तरह मतलब अपनी संकल्पना की मैं बात करूँ, तो हमारे पुष्पराजगढ़ में यहाँ के लोगों के लिए अवसर बनने के लिए फुटबॉल की एकेडमी का होना जरूरी है, कबड्डी की एकेडमी का होना जरूरी है, यहाँ वॉलीबॉल के एकेडमी का होना जरूरी है, संगीत महाविद्यालय का होना जरूरी है। और पुष्पराजगढ़ जिस तरह से फैला हुआ, बृहद क्षेत्र में फैला हुआ अपना क्षेत्रफल है, तो उस दृष्टि से यहाँ एजुकेशन की दृष्टि से 1-2 महाविद्यालय खुलने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हमारा पूरा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, तो उनको वहाँ पढ़ अध्ययनरत छात्र छात्राओं को किसी तरह से आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए उनके यातायात की व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। इन सभी परिकल्पनाओं में आगे बढ़ के अपन काम करेंगे। और खास तौर पे जो स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें, तो हमारा क्षेत्रफल बृहद रूप से फैले होने के वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं, लेकिन दूरी होने के वजह से, बसाहट दूर होने के वजह से कई तरह से लोगों को जो दिक्कत जाते हैं, तो उन दिक्कतों का निजात किस तरह से मिले, उस दिशा में काम करना है। और खास तौर पे जो हमारा ये पुष्पराजगढ़ है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको अगर डेवलप कर लें तो ये मिनी कश्मीर हो सकता, मिनी शिमला हो सकता, तो उस दिशा में हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, इस दिशा में पूरा काम करने का पूरा प्रयास रहेगा। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहें तो क्या होंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सभी गांव क्षेत्र समाज के सभी युवा साथियों से, सभी मतदाता बंधुओं से, सभी माताएं बहनों से, सभी बुजुर्गों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप सब लोगों के चिंता करते हुए जिस तरह से योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिले, जिस तरह से अगर मैं युवाओं की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे अच्छे से प्रमोट करें, तो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप से लेके स्कूटी तक की और पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्थाएँ देश विदेश तक में पढ़ाने की जो मंशा लेके भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है उस दिशा में, और ख़ास तौर पर हमारे क्षेत्र की माताएँ बहनें जो आत्मनिर्भर बने, उनको समूह के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोट किया, और लाडली बहना के योजना के माध्यम से जो डायरेक्ट आप लोगों को लाभ मिल सके, उस दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है, और ख़ास तौर पे गांव घर के किसान वर्ग के सभी साथियों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपको सहयोग प्रदान करते, उसी तरह बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना जैसे बहुत अच्छा स्कीम बना के आज
भारतीय जनता पार्टी आप सब लोग के बीच में है और कहीं ना कहीं हर तरह से हर घर में नल हो, हर व्यक्ति के घर के को पक्का मकान मिले, उस दिशा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आप सब लोग के बीच में काम किया है, मैं आप सब से अपील करता हूं कि आगामी चुनाव में आप फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दें और मत दे के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते आप सब लोगों से अपील है कि आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुझे मिले, ऐसा आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं, आप सब लोग से विनती करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को नर्मदे हर, जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ हीरा सिंह श्याम जी पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, ऐसे ही अलग अलग चेहरों से अलग अलग प्रत्याशियों से आपका परिचय करवाते रहेंगे और आपके सवाल को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल न्यूज़नेट। बहुत बहुत धन्यवाद हीरा सिंह श्याम जी। धन्यवाद।